मार दो गिरा दो का वायरस कंटेनर से निकला था जो आज पूरे मुल्क में फैल चुका है। हुकूमत शरीफ फैमिली के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर तनकीदी नश्तर, कहा 3 दिन से PIC बंद है। वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाज़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई गई। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में आज हुकूमत लाचार है। आज पूरी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का कलैप्स और ब्रेकडाउन है। कोई जवाब नहीं है कि मौजूदा पंजाब की हुकूमत जो है वो हुकूमत कर सके। आज 3 दिन से अस्पताल बंद है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले तहकीकात कराई जाए, हसन नियाज़ी को गिरफ्तार किया जाए और PIC को फौरी तौर पर अनसील किया जाए और माफी मांगी जाए जो PID का खर्चे के ऊपर कागज लहराकर इल्जाम लगाया कि आप पूरे मुल्क की जग हसाई की गई, डाकू और चोर कहा गया और आज सरकारी जवाब में 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। ये वाहिद केस है नैब का जिसके अंदर ना कोई रेफरेंस, ना कोई सबूत और अदालत में ना कोई केस, और इससे पहले रेफरेंस दायर हो चुके हैं लोगों पर, इससे पहले ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं सवाए मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के अलावा। हमारा सवाल तो इनसे ये है कि अगर PIC 3 दिन से बंद है तो 6 साल में खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं ऐसा कोई अस्पताल बना जहां ये मरीज शिफ्ट कर दिए जाते। इस हुकूमत के मफलूजपन होने का और इनका मुस्तकिल दारोमदार सिर्फ मनफी गुफ्तगू, इल्जाम तराशी और अपोजिशन को लानतान करने पे है, जो एक्चुअल गवर्नेंस ऑन द ग्राउंड है जहां पाकिस्तान के अवाम हम लोग रहते हैं वहां डिलीवरी सिफर है।